नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज पहुंचे हैं भाई दबलैंड गांव नरवाना के पास, टोल प्लाजा से थोड़े सामने से इसका रोड निकलता है। दोस्तों यहां कोई सांप देखा गया रात के टाइम, और इन्होंने हमारे पास सुबह कॉल की है और सांप पकड़ने के लिए हम पहुंच चुके हैं। दोस्तों इस कमरे में सांप देखा गया था और हमने सर्च किया है तो हमें सांप दिखाई दे चुका है। सांप अभी यहाँ जूतों के पास था और अभी आगे चला गया है कट्टों के नीचे, तो इनको निकालते हैं और दिखाते हैं कि आपको कौन सा सांप है। दोस्तों बच्चों उठा लें, एक बार सफाई हो जाएगी। सांप दोस्तों बिल्कुल हमारे सामने है इस कट्टे के नीचे, और अभी हम इसको उठाएंगे, आपको दिखाएंगे कि कौन सा सांप है। वैसे सांप दोस्तों हमने देख लिया था, सांप एक वुल्फ स्नेक है। दोस्तों देखिए हमने अभी उसको पकड़ लिया, अभी यहाँ से कट्टा निकालेंगे और इसको बाहर निकालेंगे। दोस्तों यहाँ से पैक करके ले चलेंगे रिलीजिंग की ओर। दोस्तों सांपों को मारिए मत, हमारी आपसे यही गुजारिश है कि सांपों को मत मारिए, सांप पर्यावरण के लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों सांपों को पकड़वाने के लिए हमारे स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर कॉल कीजिए दोस्तों, और वीडियो में दोस्तों लास्ट तक बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों ताकि दूर दूर तक वीडियो फैल सके। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये है एक वुल्फ स्नेक। दोस्तों इस सांप के बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। दोस्तों ये सांप नॉन पॉइजनस होता है। दोस्तों इसका मुख्य आहार छिपकली होता है। दोस्तों खासकर ये छिपकली को खाता है और छत के अंदर रहना ही ये पसंद करता है। दोस्तों ये सांप दिखने में कॉमन क्रेत की तरह ही होता है, कई लोग इसे कॉमन क्रेत समझ लेते हैं, लेकिन दोस्तों इनमें फर्क ये होता है कि कॉमन क्रेत बिल्कुल ब्लैक रंग में होता है और सफेद धारी होती हैं, लेकिन इसका रंग ब्लैक नहीं होता है। दोस्तों कॉमन क्रेत एक जहरीला सांप है और ये एक नॉन पॉइजनस बिना जहर वाला सांप होता है। दोस्तों तो चलिए दोस्तों इसको यहाँ से पैक करके और जंगल में छोड़ देते हैं, कहीं खेत में छोड़ देते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों दोस्तों एक वुल्फ स्नेक जो दबलैंड गांव से पकड़े था भाई, उसको छोड़ते हैं, खेतों का माहौल है। जी देखिए, ये देखिए वुल्फ स्नेक। डर तो काफी रहा ये। चलिए अब इसको जाने देते हैं, इसकी जो मोमेंट थी आपको दिखा दी गई है।